कोरोना वायरस को लेके कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी एहतियात कदम जो हैं वे बढ़ाए हैं और उसके अनुसार जो भी मॉल्स हैं उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया था और आज से लगभग जो मॉल्स है या उसमें जो सिनेमा घर हैं वे सारे बंद हो चुके हैं, जिम बंद है। हमारे साथ यहाँ पे न्यूक्लियस मॉल में है जो पीवीआर से के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। जो पीवीआर है यहाँ पे, जो सरकार का आदेश था, उस आदेश के बाद क्या आप लोगों की ओर से कदम उठाएंगे? देखिए, सरकार के आदेश के तहत पीवीआर सिनेमा घर को बंद करने का आदेश दिया गया था, तो पीवीआर को बंद कर दिया गया है, लेकिन मॉल को बंद करने का आदेश उन्होंने नहीं दिया है और मॉल एज इट इज जैसा है वैसा ही चल रहा है। जो कर सकते हैं जो आवश्यक कदम जो उठाने सेंटराइजर, कुछ दिन पहले से ही हम लोगों ने अपना एक इनिशिएटिव ले लिया था कि लोगों को सैनिटाइज करके अंदर भेजना है मॉल के अंदर, किसी को भी बिना सैनिटाइज किए हुए दाखिल नहीं करने दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हर किसी को सैनिटाइज करके उनका फीवर चेक करके ही हम लोग मॉल के अंदर एंट्री करने दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो भी हिदायत हम लोगों को दी थी हम उसी पर अमल करते हुए उसका पालन कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि बात करें सर, जो एक लंबा टाइम 14 अप्रैल तक बंद करने का आदेश हुआ है, तो क्या व्यापार में इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो होगा, लेकिन देखिए सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर सेहत है तो सब कुछ है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है उसके बाद से जो पीवीआर है या फिर जिम है वे सारे बंद हो गए हैं, यहाँ पे भी पीवीआर है, क्या उस पर उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? एक्शन बिल्कुल लिया गया है। हम लोग सरकार के साथ ही जाएंगे और पीवीआर ऑलरेडी सारे क्लोज हो चुके हैं हमारे, एंड ये हमारे लिए ही नहीं, हमारी जितनी भी जनता है सबके लिए अच्छा एक्शन है और हम लोग सरकार का पालन करेंगे। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। और कहीं ना कहीं दूसरा पहलू यदि बात करें तो पीवीआर बंद होने से जो व्यवसायी है या जो व्यापार है उसमें भी नुकसान होगा, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% होगा ही, बिकॉज पीवीआर इज़ द ओनली ब्रांड जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं मूवीज़ वगैरह आना, शोज वगैरह देखना। तो पीवीआर बंद होने पे या और भी सिनेमा घर बंद होने से काफ़ी नुकसान पड़ेगा व्यापार पे। इसे फिर क्या आदेश जो है वह 14 तक है तो 14 तक बंद ही रहेगा या फिर होपफुली क्योंकि स्कूल वगैरह में नोटिस आ चुके हैं 14 तक बंद होने के, तो 14 तक तो बंद रहेगा। हम लोग को जहाँ तक जानकारी थी 31st तक बंद का ऑर्डर था, बट सरकार ने बढ़ाया है तो कुछ सोच समझ के ही बढ़ाया होगा। तो आप देख रहे हैं जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार का आदेश है उसका वे पालन करेंगे। और कहीं ना कहीं दूसरी पहलू की बात करें तो बंद होने से कहीं ना कहीं जो व्यापार है उसमें जरूर घाटा तो जरूर होगा, पर जो सरकार के निर्देश है उसका अनुपालन ये कर रहे हैं। और जिस तरह से पूरे देश और विदेश में इस वायरस को लेके लोग चिंतित है और कहीं ना कहीं एक पहल के अनुसार जो एहतियात बरतनी चाहिए वो एहतियात भी बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस मॉल का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे भी जो जितने लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके हाथों में जो सैनिटाइज़र है उसे दिया जा रहा है ताकि वे अपने हाथ साफ करके अंदर जाएँ और जो कह सकते हैं लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। और इस दिशा में एक नई पहल भी है कि लोग इस वायरस से कैसे बचे। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। और जिस तरह से सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि जो पीवीआर है, जिम है, जहां पे अधिक संख्या होती है लोगों की, उसे बंद करने के लिए और लोगों ने बंद भी किया है, तो क्या दूसरा पहलू यदि बात करें तो इससे घाटा भी व्यापार को हो सक कितना होगा और क्या लग रहा है? कुछ हद तक तो ज़रूर होगी, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर सरकार ने इस तरह का आदेश दिया तो उसकी भी पालन होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की सेफ्टी से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। व्यापार आज डाउन होगा कल उठ जाएगा। तो मेरा तो मानना है कि जो हेमंत सरकार जो नोटिस आया है उसका अनुपालन सारे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये नेशनल इमरजेंसी घोषित हो चुका है सर, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को भी उसका अनुपालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मॉल को भी अगर बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बंद करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ PVR या पार्क या बायोडाइवर्सिटी पार्क या जिम स्विमिंग पूल में ही कोरोना नहीं आ रहा है सर, किसी के साथ भी कहीं भी आ सकती है, लोगों के साथ आ सकती है और कहीं भी फैल सकती है। जो लोकल छोटे दुकानदार हैं उनको भी हो सकती है। तो हेमंत सर का जो आया हुआ है नोटिस उसका अनुपालन करना चाहिए, ठीक है, मेरा यही कहना है सर। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह से जो आदेश हुआ है, क्या लग रहा है इससे व्यापार को भी नुकसान होगा क्या? व्यापार को नुकसान इसमें तो कुछ नहीं है, जैसे PVR अरेंजमेंट तो यहाँ करके रखे नहीं, जैसे PVR बंद है, जिम बंद है, पार्क को भी सरकार ने बंद किया है, तो क्या लगता है व्यापार पे भी इसका असर कुछ पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट का आदेश होगा तो उसका प्रोनाउंस तो करना पड़ेगा, नुकसान हो या फायदा हो इसे तो आदेश आदेश होता है। तो आप देख रहे हैं जो लोग हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके भी काफ़ी चिंतित है और सरकार के आदेश के साथ में है, भले ही सरकार ने या जो कदम उठाई है लोगों के लिए उठाई है ताकि जो भारत है वहाँ पे इसका वायरस का असर ना हो लोगों पे, और कहीं ना कहीं व्यापार पे भी असर ज़रूर पड़ेगा इसका। और पर इनका साफ तौर पे कहना है कि व्यापार से बड़ा जो स्वास्थ्य है वह है, यदि स्वास्थ्य रहेगा तो व्यापार भी आगे वे कर सकते हैं और जो मुनाफा है वे बाद में भी उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज़, रांची।